रहमतुल्लाहि व बरकातहू दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप तो हम लोग ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की दो बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं पहली अपडेट दोस्तों ये है कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट जारी करते हुए बताया गया है कि एक और देश पर फ्लाइट की जो पाबंदी है वो सऊदी गवर्नमेंट ने लगा दी है उस देश का नाम है नाइजीरिया यानी कि नाइजीरिया से जो लोग हैं वो अब डायरेक्ट सऊदी सऊदर्बिया का सफ़र नहीं कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट इंट्री पर सऊदी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है जबकि जो लोग नाइजीरिया से सऊदी सऊदर्बिया का सफर करना चाहते हैं उनको किसी दूसरे देश में जाकर चौदह दिन क्वारंटाइन करना होगा उसके बाद फिर वो सुदरबिया का सफर कर सकते हैं लेकिन सदरभ पहुँच भी उनको पाँच दिन का होटल क्वारंटाइन किया जाएगा पहले दिन जब वो सऊदर पहुँचेंगे पहले दिन और होटल क्वारंटाइन के पाँचवें दिन उनका पीसीआर टेस्ट भी किया जाएगा यानी दो मरतबा पीसीआर टेस्ट भी उनका किया जाएगा जबकि जो सऊदी नागरिक नज़रिया से सऊदरबिया पहुँचेंगे उनका भी होटल क्वारंटाइन किया जाएगा और कहा यह है कि उनका भी पहले दिन और पाँचवें दिन पी टेस्ट किया जाएगा जबकि आपको बता दें कि इससे पहले भी सऊदी गवर्नमेंट ने चौदह देशों की जो फ्लाइट है वो बैन की हुई है यानी कि कुछ दिन पहले ही पहले सात देशों की की फिर दूसरे दिन सात देशों की सऊदी गवर्नमेंट ने फ्लाइट को जो है वो बैन किया था आपको बता दें कि ये फ्लाइट इसलिए बैन किया जा रहा है क्योंकि इन देशों में जो कोरोना का नया वायरेंट है ओमिक्रोन वो, वो इन देशों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है जिसको देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट एहतियात के तौर पर और अपने नागरिकों और सुधरम में रहने वाले जो अजनबी हैं उनकी सेफ्टी उनकी सलामती के लिए जो फ्लाइट है वो बैन कर रही है यहाँ पर आपको बता दें ये भी कि इंडिया और पाकिस्तान का या, बंगला देश या का फिर बांग्लादेश या नेपाल वगैरह का अभी फ़िलहाल कोई भी ख़तरा नहीं है क्योंकि इन देशों में उतने ज़्यादा केस जो हैं वो अभी रिकॉर्ड पर नहीं है। आए हैं आए हैं रिकॉर्ड पर लेकिन उतने ज़्यादा केस रिकॉर्ड पर नहीं आए जिसकी वजह से फ्लाइट जो है वो सऊदी गवर्नमेंट बैन कर दे तो आप लोग जो है वो इतमिनार रखें जो लोग सऊदा का सफ़र करना चाहते हैं वो तमाम लोग सफ़र कर जाएँ क्योंकि हालात जो हैं वो कभी भी ख़राब हो सकते हैं तो आप लोग जो है वो अगर सऊदे जाना चाहते हैं तो फ़टाफट टिकट लें और सऊदी रुपया का सफ़र कर जाएं। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आपको है कि सऊदी अरब के शहर रियाद में रियाद रीजन मेला चल रहा है और ये मेला काफ़ी टाइम से चल रहा है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज जो है जो दबंग टीम है सलमान खान और उनकी जो बाकी टीम मेंबर है दबंग टीम की जो टीम मेंबर हैं इनकी जो टीम है वो रियाद पहुंच चुकी है और आज दस दिसंबर है आज जो है इनका कार्यक्रम जो है वो रियाद रीजन मेला में होगा यानी इनका जो परफॉर्म है वो रियाद रीजन मेला में होगा तो जो लोग भी जाना चाहते हैं वो तमाम रोज वो तमाम लोग रियाद रीजन मेला में जाकर इनका शो जो है वो देख सकते हैं जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनका जो शो है वो फ्री में आपको देखने को नहीं मिलेगा टिकट लेना पड़ेगा और इनकी टिकट कितने तक आएगी इस हवाले से कोई भी जानकारी नहीं है कम से कम डेढ़ सौ से दो सौ रियाल तक की तो आपको

I'm going to love the airport again, and I'm going to go back to Mumbai and shoot for Big Boss early in the morning. We um, don't have much time. If I didn't have Big Boss, yeah, for tomorrow I would stay back. And I've heard of the Boulevard, which um, I could not get to see, but some of my team members did see, and the thing is beautiful. Oh,